Hi students, today we see English Balabharati lesson number 3. Be a good listener. Good listener means ek achha shrota. Okay, listener means sunna. Okay, so let's start our lesson. It is important to be a good listener. Jab aap bhasha seekh rahe ho, kuch new cheez aap jab seekh rahe ho, to aapko ek achha shrota hona kya hai? महत्वपूर्ण है, एक अच्छी बात है। When you are learning a language, आप जब कोई भाषा या लैंग्वेज जब आप सीखते हो और when you are dealing with other people, जब आप अन्य लोगों के साथ जब काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, are you a good listener? क्या आप एक अच्छे श्रोता हो? You can find it out with the help of the following questions. तो ये क्या करना है? नीचे हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए, आपको क्या करना है? देखने हैं, फाइंड आउट करने कि आप अच्छे गुड लिसनर हो या नहीं, आप अच्छे श्रोता हो या नहीं। ओके, वन मींस सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ओके, वी सी फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, व्हेन यू आर लिसनिंग टू समवन, जब आप किसी की बात सुन रहे होते हो, डू यू लुक एट द पर्सन, क्या आप उस पर्सन की तरफ देखते हो और या अपना सिर घुमाते हुए किसी और चीज में खेलते बैठते हो? गुड लिसनर्स लुक एट द स्पीकर्स। अच्छे श्रोता क्या कर रहा है? वक्ता होता है वो हमेशा जो भी चीज है उसे सुनता है पहले। ओके, ना कि उसे इग्नोर करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर टू, डू यू पे अटेंशन टू व्हाट द स्पीकर इज सेइंग, क्या आप ध्यान देते हो वक्ता क्या कह रहा है? गुड लिसनर्स पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर, अच्छा श्रोता क्या कर रहा है? वक्ता पर पूरा ध्यान देता है, अटेंशन मींस ध्यान देता है। ओके, नंबर थर्ड, डू यू वर्ड्स टू अंडरस्टैंड द स्पीकर, हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है? क्या आप वक्ता को समझने के लिए कोई विशेष प्रयास करते हो, कुछ आप एफर्ट्स लगाते हो? Here are some of things that with the help of understand the speaker's better. Okay, यहाँ कुछ चीजें दी गई है जो आपको वक्ता और बेहतर ढंग से समझने के लिए आपको क्या करेगी, वो मदद करेगी, हेल्प करेगी। ओके, क्या हेल्प करेगी आपको दी यहाँ पे? ओके, इफ यू हियर सम न्यू और अनफेमिलियर वर्ड्स, ट्राई टू गेज दिस मीनिंग्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, यदि आपको एक अगर आपने कुछ नया एक शब्द सुना हो, एक वर्ड सुना हो, आप सुनते हो कुछ न्यू, जब आप लोग सुना ही नहीं हो, वो आपको क्या एक न्यू हो, अपरिचित हो, ओके, आपके लिए क्या हो, वो अनफेमिलियर हो, तो आप उसके बारे में क्या करते हो, कुछ गेस करते हो, अनुमान लगाते हो, कुछ आप क्या करते हो, उसको जानने की कोशिश करते हो। ओके, यू कैन ट्राई टू गेस व्हाट स्पीकर विल से नेक्स्ट, क्या आप यह अनुमान लगाते हो, आप कोशिश करते हो कि आप उस चीज को समझ पाओ, क्या आप यह कर सकते हो कि वक्ता आगे क्या कहेगा? कैन यू गेस, क्या आप ये गेस कर पाओगे? ट्राई टू कीप लिसनिंग इवन व्हेन यू फील दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड द स्पीकर, जब आपको लगता है कि आप उसे समझ नहीं पा रहे हो तो आप क्या करोगे, तो तभी आप क्या करोगे, वक्ता को सुन, मतलब मींस क्या करना है आपको, और इवन व्हेन यू आर डिसएग्री विद द स्पीकर, अगर आप क्या हो, डिसएग्री हो, मींस असहमत हो स्पीकर से, वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश व्हाट ही इज सेइंग, हमेशा क्या करो, उसका इंतजार करो कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, मींस अगर कोई हमें अगला इंसान हमें कुछ बोल रहा है तो सुनो, वरना क्या हो जाएगी, समझने में आपको मिसअंडरस्टैंड हो जाएगा आपको कोई भी चीज। देन यू कैन गेट योर डाउट्स क्लैरिफाइड बाय आस्किंग पोलाइट क्वेश्चंस, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप क्या करो, उसे पहले समझने की कोशिश करो, स्पष्टीकरण दो, उसका एक्सप्लेनेशन दो, कि आप क्या करो, उसे पूछो आप जो भी आपके डाउट्स है। ओके, डू नॉट फील शाय, आप क्या करो, उस पे क्या करो, आप घबराओ मत किसी चीज को, या शर्माओ मत, शाय मींस आप क्या करो, उसे शर्माओ मत या उसे
अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड. अगर आपको नहीं समझ रहा है कि वो अगला जो हमें बोल रहा है कुछ, तो आप उसे नहीं समझ पा रहे हो, पुट योर क्वेश्चंस टू स्पीकर पोलाइटली. आप क्या करो उसे अगले वाले इंसान से, स्पीकर से क्या करो, उसे पूछो, ना कि उसे डर के आप उसे चुप बैठ जाओ. वरना जान दो अभी मैं, जाने दो अभी मैं इसे कैसे पूछू, मुझे तो अभी शर्म आ रही है, मैं तो डर रहा हूँ, मैं कैसे उससे पूछू, मुझे तो डर लग रहा है. तो आप क्या करो उससे डरो मत, आप क्या करो उससे पूछो, शायद वो आपकी हेल्प कर पाए. Sometimes it helps to note down important word or point even as you listen. कभी कभी आप सुनते हो कि फिर यह आपको महत्वपूर्ण शब्द और मुद्दों में लिखने के लिए आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा. Okay. Lastly, it also helps to keep thinking about you heard. You may grasp the meaning of a difficult word to phrase और फ्रेज लेटर ऑन. अंत में आप क्या करो यह भी सोचने की क्या बाद में एक कठिन शब्द या वाक्यांश का अर्थ समझ सकते हो. ओके, ये लास्ट में अगर आप वो नहीं समझ पा रहे तो आप पूछो क्वेश्चंस, आपको क्या डिफिकल्टीज है, क्या प्रॉब्लम है, क्या डाउट्स है, जिसे आप पूछते हो ना टीचर से, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछते हो टीचर से. यस, आप तो गुड स्टूडेंट्स हो. ओके, आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही है, यहाँ पे दिख रही सभी को, एक बॉय दिख रहा है, एक गर्ल दिख रही है. ओके, वी सीन द पिक्चर, प्लीज ब्रिंग मी द वॉस दैट हैज पिंक रोजेस. क्या करो, प्लीज मुझे क्या करो, फूलदान लेकर आओ. मेरे लिए क्या लेके आओ, फूलदान लेके आओ जिसपे क्या है, रोज है, गुलाबी फूल है. इट्स ऑन डाइनिंग टेबल. किसके लिए चाहिए उसे डाइनिंग टेबल पे, फ्लावर्स रखने के लिए. इसीलिए वो बॉय क्या कर रहा है, इस गर्ल्स को बोल रहा है प्लीज ये आप क्या करो, वो फूलदान लेके आओ जिसपे क्या लगे है, गुलाब के फूल लगे है. ओके, अभी देखो वॉज मीन्स फूलदान का अर्थ क्या है. अ बेड ऑफ रोजेस, गुलाब की पंक्तियों का सेज. अ काइंड ऑफ पॉट मीन्स एक प्रकार का क्या है वो बर्तन. अ फ्रॉक, तो इसमें से कौन सा है वो, क्या लाने के लिए बोला उसने, अ काइंड ऑफ पॉट. क्या किया उसने, तो इसका आंसर क्या होगा, ये मिस उसने सुना, पूरी बात सुनी. तो यही हमारा लेसन क्या क्या नेम क्या है, बी अ गुड लिसनर. मतलब जो चीज हमें कोई उसे सुनना है अच्छे से, लिसन केयरफुली, देन उस चीज को लाना है, बोलना है. ओके, जैसे अभी इस बॉय ने गर्ल को बोला वॉस लाओ, इसमें से क्या है, तीन चीजें हमें दी है, तो क्या लेकर आएंगे लास्ट में, काइंड ऑफ पॉट. ओके, दैट्स व्हाई आवर लेसन इज बी अ गुड लिसनर. आई होप यू लाइक माय वीडियो. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.